नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बात होगी उत्तर प्रदेश के जनपद संभल की। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस का दावा है कि संभल में जो हिंसा हुई उसको लेकर के हिंसा के पहले जुम्मे की नमाज में इसको लेकर के प्लान किया गया था। इसी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के जो संभल के सांसद हैं जियाउल रहमान बर्क पर नामजद FIR दर्ज की गई है। आज फिर जुमे की नमाज है, ऐसे में संभल जामा मस्जिद के आसपास की क्या स्थिति है, वहां किस तरीके की तैयारी है और आज जुम्मे की नमाज सही से निपटे उसको लेकर के प्रशासन ने क्या तैयारी की है, चर्चा उस पर होगी। जुम्मे की नमाज को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। CCTV कैमरे कई दिन पहले से ही वहां लगाए जा रहे थे ताकि अब अगर कोई बात होती है तो कम से कम CCTV में जो एक तीसरी आंख कही जाती है उसकी नज़र में वो उपद्रवी या पत्थरबाज जरूर रहे, तो उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मस्जिद के आसपास हर कोने पर, हर एंगल पर CCTV कैमरे 2 दिन पहले ही लगा दिए गए थे। उसके बाद कल शाम को फ्लैग मार्च किया गया है। अब मस्जिद के आसपास क्योंकि सकरी गलियां हैं और वहां पर ड्रोन से पूरी तरीके से सर्च किया गया है कि जैसे जो पत्थरबाजी हुई उसमें ये कहा गया कि 24 नवंबर को पत्थरबाजी हुई और अब तक पुलिस प्रशासन की तरफ से वहां सिर्फ पत्थर बीने जा रहे थे, लगभग 19 ट्रॉली पत्थर वहां निकला है। तो इतनी बड़ी संख्या में पत्थर कैसे आया, कैसी साजिश थी, किसकी साजिश थी, इतनी बड़ी जो घटना हुई उसको लेकर के, तो पुलिस की तरफ से यही कहा गया कि इस घटना के पहले जुमे की नमाज के दिन इसको लेकर के जो संभल के सांसद हैं उनकी तरफ से भड़काऊ भाषण दिया गया, जो विधायक के बेटे हैं उनकी तरफ से भड़काऊ भाषण दिया गया और उसके बाद प्लान किया गया और तभी जाकर के सर्वे के जब दूसरे दिन सर्वे के लिए टीम वहाँ पहुँची उसके बाद वहाँ भारी संख्या में लोग तैनात हुए, भारी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे, नारेबाजी की और उसके बाद पत्थरबाजी हुई, गोलाबारी हुई जिसके बाद 4 लोगों की उसमें मौत भी हो गई। अब प्रशासन ये नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से वहां पर इस तरह की घटना घटे, इसको लेकर के लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा था, लगातार पुलिस जो भी पत्थरबाज थे उनको एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। CCTV फुटेज के आधार पर जिनकी जिनकी फोटो दिखाई दे रही है उन उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक इस मामले में अगर बात करें तो 45 लोगों का चिन्हित करके पोस्टर लगा दिया गया है। जो चिन्हित लोग किए गए हैं वो लगभग 74 हैं, लेकिन 45 लोगों का जो अपराधी हैं, 45 उपद्रवी जो हैं उनका पोस्टर लगा दिया गया है। और सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी पत्थरबाज हैं, उपद्रवी हैं, तो जो उस दिन घटना में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वही पत्थरबाज करेंगे, तो ऐसे में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और जो भी पत्थरबाज हैं उनकी पोस्टर लगा दिए गए हैं और अब जो भरपाई है वो उनसे की जाएगी। एक और पहलू बहुत बड़ा है, पहलू यह है कि जब वो पत्थरबाज उस दिन पत्थरबाजी कर रहे थे उससे पहले वो कहां छुपे थे जो इतनी घटना में एक साथ आ गए, तो इसको लेकर के पुलिस का दावा है कि मस्जिद के आसपास जो घर थे उन घरों में महिलाओं ने 10-10, 20-20 नौजवानों को पनाह दिया था। तो अब उस एंगल पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई कर रही है, जिन घरों में ताले लगे हैं उनको अपराधी माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये जरूर इस घटना में संलिप्त होंगे, तो उस पहलू पर भी पुलिस अब लगातार कार्रवाई कर रही है, एक एक जगह सर्च की जा रही है और लगातार पहचान करके CCTV फुटेज के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है इस पूरी घटना में। और आज की जो स्थिति है वो तनावपूर्ण वहां बनी हुई है, इंटरनेट पूरी तरीके से बहाल कर दिया गया है, लेकिन बाहरी किसी भी व्यक्ति को संभल जनपद में जाने की पूरी तरीके से प्रतिबंध है, रोक लगा दी गई है, बाहरी कोई व्यक्ति संभल में नहीं जा सकता है। लेकिन जामा मस्जिद के आसपास के एरिया की बात करें उसके साथ मुजफ्फरनगर और आसपास के जनपद के जो बॉर्डर हैं वहां पर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि अब उस तरह की घटना कोई ना हो सके और लोग एकत्रित ना हो सके, इसका भी पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पर फायर ब्रिगेड, तमाम सारे जो अलग अलग पुलिस फोर्स की जो इकाइयाँ होती हैं, अलग अलग जो फोर्स होती हैं, उन सब की टुकड़ियाँ वहाँ लगाई गई हैं, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जुम्मे की नमाज में आज ये कह सकते हैं कि तीसरी नज़र और संगीन के साय में आज अदा की जाएगी, जिसको लेकर के प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर रखी है और आज जुम्मे की नमाज है जिसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है।